गाइस वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। हम निकल गए, चेकआउट कर दिया हम लोग ने। अभी हम जा रहे हैं बांद्रा। ऐसा कुछ आज का लुक है। बांद्रा जाएंगे, बांद्रा से फिर कहाँ जाएंगे? सीएसटी। बांद्रा से फिर जाएंगे सीएसटी, और सीएसटी मतलब कोलाबा। बांद्रा से सीएसटी मतलब कोलाबा। कोलाबा में थोड़ा बहुत शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, खाना खाएंगे, दर्शन करेंगे, और दो तीन जगह जाएंगे, देखेंगे जा भी है। अभी फ़िलहाल निकलते हैं यहाँ से। भाई मुंबई में ये एक चीज़ है कि हमेशा कंस्ट्रक्शन ही चलता रहता है। मेट्रो लाइन आ रही है, भाई अभी यहाँ से तो हम लोग जा रहे हैं बांद्रा। बट आप ये पूरा एरिया देखो, मैंने पता नहीं स्टार्टिंग में आपको शायद नहीं दिखाया, पूरा कॉर्पोरेट एरिया है, मतलब एकदम हाई लेवल वाला एरिया है, पॉश एरिया जिसको कहते हैं ना भाई साहब। हवाबाजी देख लो आपके भाई की, पैसा की कमी नहीं है भाई अपने पास। मतलब बहुत अच्छा एरिया है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर हैं। इस पूरे ये पूरा एक कॉर्पोरेट एरिया ही है, तो भाई ये आपको इस तरीके की गाड़ी भी यहाँ पर ही मिलेंगी। भाई CST हम लोग भाई लोकल से आ गए थे, पूरी खाली है देखो आज मुंबई, संडे को पूरा खाली है ऑलमोस्ट। अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से कोलाबा में थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता करके देन हम जाएंगे कोलाबा में, देखते हैं क्या करना है। नाश्ता वास्ता करेंगे पहले, फिर शॉपिंग पे जाएंगे, और उसके बाद कहीं रेस्टोरेंट में जाके बैठेंगे। विल अपडेट यू फॉर दैट। भाई लोकल खाली मिल गया ना, ये सबसे बेस्ट होगा कि जल्दी पहुँच गए। कैब से हम लोगों को 2.5 घंटा दिखा रहा था। CST मुंबई। भाई स्वागत हमारा यहाँ पे हुआ है बारिश से। लिंग देखो गाइस, वी आर हियर एट वड़ा पाव, CST का स्ट्रीट। तो भाई अभी हम लोग यहाँ पे गेट ऑफ इंडिया के नियर बाय आ गए, बट अभी यहाँ पे थोड़ी देर रुक गए, बहुत तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पे। देखो आपको पता नहीं कैमरा जज कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, बट तेज़ बारिश हो रही है। तो ये देखो आपको आइडिया आ गया होगा। भाई अभी हम एग्जैक्टली गेट वे ऑफ ताज के पीछे हैं। ताज पुराना भी ब्लॉक है इसके ऊपर पूरा। मैं पहले भी आया, वो इस एरिया में ही रुका था पहले तो मैं कोलाबा में। और ये रहा गेट ऑफ इंडिया। अभी हम जाएंगे यहाँ पे, पहले अभी हम सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग कर रहे हैं तो अभी। और वहाँ पे भाई भीड़ देखो, बहुत ज़्यादा भीड़ है, आज संडे है ना। इधर भी रुकेंगे एक दिन। राइट नाउ वी आर सर्चिंग फैशन स्ट्रीट कोलाबा, कि वहाँ से करनी है शॉपिंग घर वालों के लिए और अपने लिए। अब अच्छे अच्छे भाई नहीं, मैं बैक कैमरा चालू करे लो सर। वो यही जो रुका तो हाँ आ रही बड़ा पाव मैं खा दू तू ना आऊ ये अहियां से मिलन पाव मीड़ी। हां अहियां खा दू तू हमें लोग लास्ट बहुत सरस बनाया हुआ ने बात प्रेम चा चा अहियां तो रुकाया था पाछड़ अच्छे अरे बड़े में यहां रहे। हां सो गाइस हमारी शॉपिंग हो गई है, ऑलमोस्ट 5-6 हज़ार हमने फूंक दिए हैं शॉपिंग में। ये मेरे को चला चला के रोड पे इतना थका दिया है कि ऐसा बोल रहा है कि रास्ते पे मेरे को टचा का फोड़ के दो। टचा का फोड़ के भाई, टचा का फोड़, जिसको टचा का नहीं पता वो आप गूगल कर लेना टचा का क्या होता है। यू विल फील रिलैक्स्ड इन दैट। शॉपिंग ऑलमोस्ट हो गई है, नाउ अभी हम जा रहे हैं कोलाबा सोशल रेस्टोरेंट में खाना वाना खाते हैं। थोड़ा भूख लगी है, काफ़ी देर से चल 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 के ना हालत ख़राब हो गई हमारी। एक मिनट वी आर एट सोशल कोलाबा।
us to have our lunch और फिर आगे जाएंगे कहीं पे। We are done with our lunch and अभी हम जा रहे हैं मरीन लाइन्स वॉक वे करके, अपना सारा सामान लेके, ये और ये भाई के पास इतना है, ये वाला भाई सामान दिखा दे। तो अभी बस मरीन लाइन्स जाके फिर क्या डिसाइड होता है वो अब देखते हैं, कहाँ आगे जाने वाले, बट अभी मरीन लाइन्स जाने वाले हैं। जिस राह पे चल रहे हैं, कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाएंगे, कहीं ना कहीं पहुँच जाएंगे। देखना मरीन लाइन्स पे बहुत ज़बरदस्त भीड़ है, आपको दिखाता हूँ। संडे है ना, भीड़ देखो आप, आज संडे है इसकी वजह से कितनी भीड़ है। ये रहा गेट ऑफ इंडिया और वहाँ देखो आप भीड़, भाई आपको दिख गया होगा क्या ज़बरदस्त भीड़ है। इसलिए हम लोग वहाँ पे गए नहीं क्योंकि मौका ही नहीं मिला भीड़ की वजह से। और अभी इधर भी मरीन लाइन्स पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। ऐसा लग रहा है सारी मुंबई यहाँ आ गई है भाई। और ये रहा ताज होटल, जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। मरीन लाइन्स पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी इसलिए हम निकल गए, क्योंकि हमारे पास पैसा बहुत है तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं। भाई भाई पैसा बता दो अपना पैसा बहुत है हमारे पास इसलिए हम जा रहे हैं वापस से शॉपिंग करने, उसके बाद फिर जाएंगे वापस कोई तो भी रेस्टोरेंट में और फिर आगे का प्लान उसके बाद पता चलेगा। हम दीपू को मिलने भी जाएंगे अगर टाइम मिल गया तो। टाइम मिल गया तो हम दीपू को भी मिलने जाएंगे। भाई यहाँ बड़ौदा में हम इतना कभी ज़िंदगी में इतना नहीं चले हैं जितना हम मुंबई आके चल चुके हैं। तो अभी भी हम लोग वॉक करते करते ही जा रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस इतना कम है ना कि टैक्सी भी नहीं कर सकते, वो टैक्सी वाले यहाँ के जाएंगे ही नहीं। और ये देख लो भाई हवाबाजी, रेस्टोरेंट हैविंग अवर लंच ब्रंच। चीज चिली टोस्ट, फ्रेंच फ्राइज और भी एक ऑर्डर किया हुआ है। तो गाइस हमारा डिनर विनर तो हो गया, अभी हम लोग जा रहे हैं स्टेशन मुंबई सेंट्रल, वहाँ से हमारी रात की 11 बजे की ट्रेन है तो अभी बस यहाँ से निकलते हैं। और भाई ये सब देखो क्या बढ़िया लग रहा है, लाइटिंग्स कितना बढ़िया लग रही है भाई। ये मुंबई लास्ट टाइम नहीं देखी थी ये वाली, ये अलग ही मुंबई है इस बार की, तो मेरे हिसाब बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। बस अभी वी रीच स्टेशन विद इन लाइक 15 मिनट या 10 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम लगेगा मेरे ख्याल से। वहाँ पे वेटिंग रूम में जाएंगे, वेट करेंगे थोड़ा बहुत फिर जाएंगे, क्योंकि वहीं से ट्रेन बन के चलेगी तो कोई इशू नहीं है। बट लेट्स सी, पर मैं वहाँ पहुँचता हूँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ वहाँ पे। तो गाइस फाइनली वी हैव रीच मुंबई सेंट्रल जहाँ से हमारी ट्रेन है बड़ौदा के लिए। अभी रात के 11 बजे की ट्रेन है, एक घंटा बाकी है, 10 बज रहे अभी। खाना वाना खा के हम लोग सीधा मुंबई सेंट्रल आ गए और उसके बाद यहाँ पे वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं अभी। तो 11 बजे के तो मेरे ख्याल से 10-15 मिनट में निकलेंगे क्योंकि यहीं से बन के चलती है ट्रेन। तो लेट्स सी, आई होप आप लोगों को सीरीज़ में मज़ा आया होगा। गाइस काफ़ी मेहनत की इस बार तो व्लॉग करने के लिए, भाई इतनी भीड़ भड़कम में व्लॉग किया है ना, आप मानोगे नहीं, आप यू वोंट बिलीव इतनी भीड़ में मैंने पहली बार, मेरे को भीड़ भाड़ है ना पसंद नहीं है, मेरे को थोड़ा कंफर्ट जोन वाला इंसान हूँ मैं, बट फिर भी मैंने इतना ट्राई किया सिर्फ आप लोगों के लिए। तो आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा मुंबई के व्लॉग। पहले भी मैं आया हुआ हूँ तो आप लोग ने पहले भी सीरीज़ देख ली होगी, बट वो थोड़ी अलग लेवल की थी, ये वाली थोड़ी अलग डिफरेंट थी। तो आई होप आप लोगों को पता चला होगा, मज़ा आया होगा। अभी देखो गाइस पूरा भरा हुआ है रेलवे स्टेशन मुंबई सेंट्रल से, क्योंकि मोस्टली सब लालबाग चौराहे के दर्शन करने आए हुए थे, तो अभी सब रिटर्न जा रहे हैं अपने अपने सिटी में। पूरा भरा हुआ है, ओवर क्राउडेड। तो ट्रेन में बैठ के आपको बता दूंगा अपडेट, आई विल गिव यू एन अपडेट, बट अभी फिलहाल जाते हैं वेटिंग रूम में बैठते हैं क्योंकि फ़ोन में चार्जिंग बिल्कुल नहीं है और चार्जर बिल्कुल खाली नहीं है। तो लेट्स सी यहाँ से निकलते हैं सीधा वेटिंग रूम में, मिलता हूँ आपको ट्रेन में एंड देन सी यू इन बड़ौदा। फाइनली वी हैव रीच बड़ौदा और सुबह के 4 बजे हम लोग बड़ौदा रेलवे स्टेशन पहुँच गए थे, थोड़ी ट्रेन लेट थी। और फिर आए घर पर आके मैं सीधा सो गया, मैं उठा हूँ शाम के 5 बजे, ऑफिस भी नहीं गया, आज मंडे है तो भी नहीं गया, बट ठीक है। और आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा व्लॉग्स मुंबई के। पहले भी मैं मुंबई के व्लॉग शूट कर चुका हूँ ऑलरेडी, मैं पहले मुंबई जा चुका हूँ 2-3 बार, ये बार वापस गया था बट अलग तरीके से गए थे, अलग पर्पज़ से गए थे, बाबा के दर्शन करने गए थे लालबाग चौराहा एंड सिद्धिविनायक। सो अच्छे तरीके से दर्शन वर्शन सब हो गए, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। इस व्लॉग को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर दूँगा एंड विल स्टार्ट अ न्यू व्लॉग। अभी मैं बड़ौदा आ गया तो बड़ौदा के नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करना पड़ेगा, तो देखते जो भी है जैसा भी आपको पता चल जाएगा क्या आएगा नेक्स्ट। आज है 25th of September, आज हम लोग भी विसर्जन कर देंगे हमारे पापा को, जो हम घर पे लाए गणपति पापा को,
तो हम भी विसर्जन आज करने वाले हैं, सो उसका भी एक नया ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग, आई होप आप लोग को बहुत मजा आएगा। एंड इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।